नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर में अधिवेशन ना होने से 300 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। चाकू की नोक पर सब्जी विक्रेता को लूटा, सकरदरा पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। और राज्य सरकार लोकतंत्र को कर रही है खत्म, देवेंद्र फडणवीस ने लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर में अधिवेशन ना होने से जिले में 300 करोड़ का नुकसान हुआ है। नागपुर में अधिवेशन हो इसलिए करार हुआ था, लेकिन कोविड की वजह से इस साल भी नागपुर में अधिवेशन नहीं हुआ। नागपुर में हर वर्ष अधिवेशन लिया जाए इसलिए नागपुर करार हुआ था, लेकिन पिछले वर्ष कोरोना की वजह से अधिवेशन नहीं लिया गया, जिस कारण व्यापार को बड़ा नुकसान हुआ था। इसलिए इस वर्ष सभी व्यापारियों की उम्मीद थी कि इस वर्ष नागपुर में अधिवेशन होगा, लेकिन नागपुर में अधिवेशन नहीं हुआ। महाविकास आघाड़ी सरकार ने इस वर्ष भी नागपुर अधिवेशन को पीठ दिखाई, जिस कारण नागपुर में व्यापार को करीब 300 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब आपने व्यापार की बात की, कितने व्यापार का नुकसान, कितने लोग नागपुर आते, बाहर से लोग आते, यहाँ खर्च करते, यहाँ का पर्यटन कितना चलता, यहाँ के रिक्शे वाले, यहाँ की चाय टपरी वाले, छोटे लॉज वाले, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, सबको कितना रोजगार मिलता। दुर्भाग्य की बात है कि सरकार यहाँ आना नहीं चाहती। आप क्या 5 साल में एक ही बार आना चाहते हैं क्या? ये भी आपको सोचना पड़ेगा। बार बार आना पड़ेगा, बार बार यहाँ की बातें सुनना पड़ेगा, और जो करार किया गया है वो करार के अधीन करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। नहीं तो भी लगभग 300 करोड़ का तो नुकसान हमारे व्यापार का हुआ ही है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। देखिए, पहले तो 2 साल से होटल इंडस्ट्री बाकी धंधों के जैसे हमारी भी चरमराई हुई है, और हमको ज़्यादा असर रहा क्योंकि कोविड में लोग ट्रैवल ही नहीं कर रहे थे। तो क्या होता है कि क्योंकि पिछले साल भी नहीं हुआ असेंबली, तो इस बार की असेंबली में बहुत सारी उम्मीद लगा के हमारे मेंबर्स बैठे थे कि ऐसा लग रहा था कि भाई असेंबली होगी, 2-3 हफ्ते की होती है, बहुत सारा व्यापार आता है, बहुत सारे लोग आते हैं, काफ़ी बाहर आजूबाजू स्टेट्स के भी लोग आते हैं, एरिया डिस्ट्रिक्ट के भी आते हैं, तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो मेरा ऐसा अंदाज है कि अगर इस साल नहीं होने से कम हमारे बिजनेस को कम से कम 300 करोड़ का नुकसान हुआ है। शहर में बीते कुछ दिनों से चाकू की नोक पर लूटने के मामले हुए। इसी बीच सकरदरा पुलिस थाना अंतर्गत भी सोमवार को एक सब्जी विक्रेता को चाकू की नोक पर लूटने का मामला सामने आया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए सकरदरा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। बीते कुछ दिनों से शहर में सब्जी विक्रेताओं को लूटे जाने की घटनाएं सामने आ रही है। इसी बीच सकरदरा में सब्जी विक्रेता को चाकू की नोक पर लूटा गया। मिली जानकारी के अनुसार बीड़ीपेट निवासी रमाशंकर कुशवाहा ठेले पर सब्जी बेचते हैं। वह सोमवार तड़के 2:20 पर सब्जी खरीदने के लिए कॉटन मार्केट जा रहे थे। सकरदरा के बिंझानी कॉलेज के पास दुपहिया पर डबल सीट सवार युवकों ने चाकू की नोक पर कुशवाहा से मोबाइल और 3,000 रुपए लूट लिए। सकरदरा पुलिस ने लूट का केस दर्ज कर इस मामले में तहकीकात शुरू की है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है। वही इस मामले में और आरोपी सामने आने की जानकारी पुलिस निरीक्षक धनंजय पाटिल ने दी है। काल सकाळी 5:10 सुमाराला भाजीपाला खरेदी करण्याकरता एक छोटा व्यापारी त्याच्या गाडीवर कॉटन मार्केट येथे जात होता। सकरदरा पुलाच्या पुढे बिंजानी कॉलेजच्या गेटसमोर एका स्कूटरवर 2 लोक आले सुरुवातीला, आणि त्यांनी त्याला चाकूचा धाक दाखवून त्याच्याकडून 3,000 रुपये आणि एक मोबाईल हिसकून नेला। या स्वरूपाचा गुन्हा मागच्या आठवड्यात पण सकरदरा आणि पूर्ण नागपूर शहरात झालेल्या होत्या। त्या बाबतीत लकडगण पोलीस स्टेशनला एक दारोड्याचा गुन्हा दाखल झालेला होता, आणि त्या घटनेशी साधर्म्य साधणारा हा पण गुन्हा घडलेला आहे। सकरदरा पोलिसांनी तात्काळ याच्यामध्ये माहिती मिळवली आणि तपास करून कपिलनगर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतून काल कपिलनगर पोलिसांच्या मदतीने आरोपी ताब्यात घेतले या गुन्ह्यातले। त्याच्या बाबतीत अधिक तपास चालू आहे। 3 आरोपी आतापर्यंत आम्ही अटक केलेले आहेत,
आणि अजूनही आरोपी निष्पन्न होण्याची शक्यता आहे आणि अजूनही नागपूर शहरातले इतर या स्वरूपाचे गुन्हे निष्पन्न होण्याची शक्यता आहे. तपास प्राथमिक स्तरावर आहे सध्या. शीतकालीन अधिवेशन के पहले विरोधी पक्ष की हुई पत्रकार परिषद में बात करते हुए विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सबसे कम समय के अधिवेशन महाराष्ट्र में हो रहे हैं. अगर संसद के अधिवेशन ज्यादा समय के लिए चल सकते हैं, कई राज्यों के अधिवेशन ज्यादा समय तक चल सकते हैं, तो हमारे राज्य का अधिवेशन क्यों नहीं, ऐसा सवाल उन्होंने खड़ा किया. वही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रही है. या सरकारचा लेखी विदर्भ अस्तित्वातच नाही, हे विदर्भात अधिवेशन घेत नाही, विदर्भाला निधी देत नाही, वैधानिक विकास मंडळाचा मुर्दा पाडण्याचं काम या सरकारने केलं. ज्या वैधानिक विकास मंडळामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्याला न्याय मिळत होता, तिचा मुर्दा पाडलाय आणि सत्ता पक्षातला एकही जण या संदर्भात बोलायलाही तयार नाही. मी यावेळी बीएससी मध्ये स्पष्टपणे सांगितलं की तुम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या तब्येतीचं कारण पुढे करून मुंबई अधिवेशन घ्या म्हणताय तर आम्ही ते मान्य करू, कारण शेवटी मुख्यमंत्र्यांची तब्येत ठीक नसताना आम्ही आग्रह करणं योग्य नाही. पण आमचा आग्रह आहे आणि त्याही वेळेस होता आणि त्यांनी आम्हाला सांगितलं, आम्ही त्याच्यावर विचार करू म्हणून की मार्चचं अधिवेशन हे नागपूरला झालं. कर चुकाने के लिए वाहनों की चोरी करने वाले एक शख्स को अजनी पुलिस ने गिरफ्तार किया. आरोपी पर अजनी सहित विविध थानों में कई मामले दर्ज हैं. वहीं आरोपी से 6,55,000 का माल जब्त किया गया. कई लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेते हैं और फिर उसे अदा करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते लोग गलत कदम भी उठाते हैं. ऐसे ही एक आरोपी को अजनी पुलिस ने गिरफ्तार किया जो अपना कर्ज चुकाने के लिए वाहनों की चोरी करता था. मिली जानकारी के अनुसार आरोपी प्रज्वल हटवार ये रसिका ट्रैवल्स में काम करता था और उस पर बहुत सारा कर्जा था. उसे चुकाने के उद्देश्य से प्रज्वल कंपनी में आई गाड़ियों की चाबी किसी बहाने अपने कब्जे में कर रात के समय गाड़ियां चुरा कर ले जाता था. इस बारे में पुलिस को पता चलते ही उन्होंने तांत्रिक चीजों का उपयोग कर आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी से 2 कारें और 3 दुपहिया वाहन, ऐसे कुल मिलाकर 6,55,000 का मुद्देमाल जब्त किया है. वही पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है. पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय तलवारे आणि त्यांची डीबीची टीम पीएसआय आशीष ठाकुर, खेमराज पाटील, गजानन माहुलकर आणि अतुल दवंडे यांच्या टीमने एक महत्त्वपूर्ण गुन्ह्याचा तपास उघडकीस आणलेला आहे. यात रेकॉर्डवरील वाहन चोर प्रज्वल विजय हटवार याला अटक करून त्याच्याकडून 2 चारचाकी आणि 3 दुचाकी अशी वाहनं त्याच्याकडून जप्त केलेली आहेत. प्रज्वल विजय हटवार याची गुन्ह्याची पद्धत हा रसिका ट्रॅव्हल्समध्ये डेली वेजेसवर ड्रायव्हर म्हणून चालक म्हणून काम करायचा आणि काम करत असताना त्याला जेव्हा वाहनाच्या चाव्या वापरण्यात येत होत्या त्या चावी तिथंच न ठेवून देता ती चावी नकळतपणे गहाळ करायची आणि रात्रीच्या वेळेस येऊन ती वाहनं चोरून घेऊन जायची. अशा पद्धतीने त्याने एक इंडिगो कार आणि एक इनोव्हा कार अशा 2 कार चोरून नेलेल्या होत्या. अतिशय तांत्रिक CCTV माध्यमातून आणि गोपनीय पद्धतीने जी बातमी मिळाली त्याच्यावरून आमच्या DB टीमने याला पकडून याच्याकडून इतर 3 दुचाकीसुद्धा जप्त केलेल्या आहेत. एकूण अजनी पोलीस स्टेशनचे 3 गुन्हे व प्रतापनगर आणि गिट्टी खदान पोलीस स्टेशनचा 1-1 गुन्हा असे 5 गुन्हे डिटेक्ट करून एकूण 6,55,000 रुपयाचा मुद्देमाल आजनी पुलिस स्टेशन ने या गुन्ह्यामध्ये जप्त केलेला आहे. पानी के टैंकर की चपेट में आकर मनपा स्कूल से घर जा रहे बालक की दर्दनाक मौत हो गई. यह हादसा सोमवार सुबह ताजाबाद की आजाद कॉलोनी के पास हुआ. इस घटना के बाद कुछ देर तक तनाव का माहौल बना था. अयान मनपा स्कूल में 3री का छात्र था. 16 दिसंबर से मनपा स्कूल शुरू हुई है. बताया जाता है कि अयान सोमवार सुबह स्कूल गया था. सुबह 11:30 बजे सहपाठी के साथ वह घर लौट रहा था. इसी दौरान गुलशन चौक के पास पानी का टैंकर क्रमांक MH40Y1478 गली से गुजरा. अयान टैंकर के पिछले पहिए की चपेट में आ गया. उसे गंभीर जख्मी अवस्था में नंदनवार अस्पताल में भर्ती किया गया जहां उसकी मौत हो गई. इस घटना से कुछ देर के लिए परिसर में तनाव निर्माण हो गया था. सक्करदरा पुलिस ने टैंकर चालक हमिद खान अब्बास खान सिंधी बन को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया. अयान के पिता ऑटो चालक है. उन्हें अयान के अलावा 2 बच्चे हैं. इस घटना से परिसर में शोक की लहर छाई है. परमात्मा एक दवाखाना आजाद नगर कॉलनी ताजबाग परिसर याच्यामध्ये काल हा दुर्दैवी अपघात झालेला आहे. त्याच्यामध्ये एक 407 टैंकर चालक नियमितपणे तिकडे पाणी पुरवठा करायचा आणि त्या टँकरच्या चाकात येऊन एक लहान मुलगा आहे 8 वर्षाचा,
तो काल जबर जख्मी झाला आणि त्याच्यानंतर उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झालेला आहे. याच्यात टँकर चालक अटक पण झालेला आहे, अटक केला आहे त्याला आणि गाडी पण जप्त केलेली आहे. वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. जिला परिषद, पंचायत समिति और नगर पंचायतों के लिए मंगलवार को मतदान हुआ. वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने सुकली गांव पहुंचे. उन्होंने अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पर मतदान किया. पंचायत समिति के चुनाव चल रहे हैं, उसमें बीजेपी की करारी हार अब होना तय है, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश में महंगाई बढ़ाकर आम आदमी का जीना दुभर कर दिया है, किसानों के विरोध में जिस तरह से बीजेपी ने तीन काले कानून लाने के बाद एक मंत्री के लड़के के माध्यम से किसानों को मरवाने का, गाड़ी चढ़वाकर उसको उनको मरवाने की जो व्यवस्था बनाई, आज भी मंत्री वो मोदी जी के बाजू में बैठे, यानी इसका मतलब ये है कि बीजेपी ये किसान विरोधी है. और आज देश में आपने देखा होगा कि पहली बार कि जो बेरोजगारों की एक लिस्ट पूरे देश में जारी करना पड़ता है, उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है, नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद बेरोजगार कितने देश में हैं उसकी लिस्ट भी दिखाना बंद कर दिया है. और जो उज्ज्वला गैस दिया है, उज्ज्वला गैस के माध्यम से लोगों के घर में जो घासलेट मिलता था, मिट्टी का तेल मिलता था, वो भी बंद कर दिया. अब अनाज भी बंद करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करना चाहती है. और इसलिए गरीब हो, बेरोजगार हो या किसान हो, ये सब लोगों को बीजेपी के विरोध में जो गुस्सा है और उस गुस्से का परिणाम निश्चित रूप से कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि देश में एक ही पर्याय कांग्रेस है और कांग्रेस को ही लोग वोट करेंगे. बुढ़ाना में ओमिक्रॉन ग्रस्त मरीज को अब डिस्चार्ज मिल चुका है. ऐसे में अब जिला ओमिक्रॉन फ्री हो चुका है. ओमिक्रॉन मरीज मिलने से जिले में खलबली मची थी. दुबई रिटर्न ओमिक्रॉन मरीज अब ओमिक्रॉन मुक्त हो चुके हैं. 67 वर्षीय व्यक्ति को मंगलवार को अस्पताल से छुट्टी दी गई है. ऐसे में दूसरा एक भी ओमिक्रॉन ग्रस्त मरीज बुढ़ाना जिले में नहीं है. जिला कोविड अस्पताल से पिछले 14 दिनों से भर्ती ओमिक्रॉन ग्रस्त मरीज को प्रोटोकॉल अनुसार मंगलवार को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया. खास बात यह है कि इस मरीज को पहले दिन से कोई भी लक्षण नहीं थे, लेकिन 8 दिसंबर को मरीज कोविड पॉजिटिव मिला था और ओमिक्रॉन टेस्ट भी पॉजिटिव आई थी. अपने दवाखान्या ओमिक्रॉन सस्पेक्टेड पेशंटला अपन आइसोलेट के कुछ प्रकार की लक्षण नौती, परंतु त्यांचा स्वॅब पॉझिटिव्ह आल्यामुळे आपण त्यांना दवाखान्यामध्ये आयसोलेट केलेलं होतं आणि 8 तारखेला ते आपल्याकडे भरती झाले होते आणि आज त्यांचा याचा आयसोलेशनचा पिरियड संपत असल्यामुळे नियमानुसार प्रोटोकॉलनुसार आपण त्यांना सुट्टी देत आहोत. आणि इथून पुढे नागरिकांना मी असं आवाहन करू इच्छितो की नागरिकांनी आपली काळजी घ्यावी, मास्क बांधण्याची जी सवय आपल्याला लागलेली होती ती कंटिन्यू चालू ठेवावी, ती सगळ्यात महत्त्वाची आणि आपल्याला वाचवणारी असेल. कारण की ओमिक्रॉन आपल्याकडे येईल किंवा नाही येईल तो वेगळा किंवा पुढचा भविष्याचा विषय आहे, पण आल्यास आपल्या सर्वांचं रक्षण होईल असं आपल्या सर्वांची हे असली पाहिजेत, ॲक्टिव्हिटी असली पाहिजेत असं रुग्णालयाच्या वतीने आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक साहेबांच्या वतीने मी आपणास आवाहन करू.
बुलढाणा में नगर पालिका सेवानिवृत्त कर्मचारी अनशन पर बैठे हैं। अनशनकर्ताओं की मांग है कि सातवें वेतन आयोग की बकाया रकम जल्द से जल्द दी जाए। सेवानिवृत्त होने के बाद आधार मिले इसलिए पेंशन जरूरी है, लेकिन सरकार अब कर्मचारियों को पेंशन देने में टाल मटोल कर रही है। बुलढाणा नगर परिषद में 120 सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन से वंचित है, इसलिए 20 दिसंबर से सेवानिवृत्त कर्मचारी अनशन पर बैठे हैं। बुलढाणा नगर परिषद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की बकाया साथ ही पहले और दूसरे हफ्ते की रकम अब तक नहीं मिली, इसलिए कर्मचारी अनशन पर बैठे हैं और जल्द से जल्द बकाया राशि देने की मांग मंधुरे, सैयद यासिन, नंदकिशोर नारखेड़े, दिनकर जाधव, राम घाटे, विजय श्रीनिवास ने की है। बुलढाणा जिल्ह्यामधील काही नगर परिषदांनी सातवेचे आणि दोन्ही हप्त्याच्या रकम दिलेल्या आहेत। वसई पाहता त्याही नगरपालिका क बवर्गाच्या आहेत आणि बुलढाणा नगर परिषदसुद्धा बवर्गाची आहे। ते नगर परिषद जर दोन्ही हप्त्याची थकी रक्कम देऊ शकतात, ही नगर परिषद का देऊ शकत नाही हा प्रश्न उपस्थित होतो आहे। तर या बाबतीत यांनी विचार करून आम्हाला न्याय द्यावा। नागपुर में गांधीबाग के गारमेंट व्यापारी को कम कीमत में लग्जरी कार बेचने का झांसा देकर 26 लाख रुपए का चुना लगा दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक जरीपटका निवासी चिराम केवल रामानी की गांधीबाग में आरडी डिस्ट्रीब्यूटर नामक गारमेंट की होलसेल दुकान है। उनकी 28 जून को सोशल मीडिया पर मुंबई के कथित अर्जुन अय्यर से पहचान हुई। अर्जुन ने चिराग को कम कीमत में लग्जरी कार दिलाने का झांसा दिया। उसने चिराग से 26 लाख रुपए लिए, फिर कार देने में टालमटोल करने लगा। चिराग द्वारा पैसे मांगने पर भी कन्नी काटने लगा। चिराग की शिकायत पर तहसील पुलिस ने केस दर्ज किया है। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।